चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आज हम इस वीडियो के अंदर कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.1 से 18.4 तक के आपको करवाएंगे और इन कंसेप्चुअल क्वेश्चन को हमने व्हाइट बोर्ड के ऊपर नोट भी किया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके आप उन क्वेश्चंस को नोट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने चैप्टर नंबर 18 की तमाम वीडियोस को वॉच नहीं किया हुआ तो ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आप इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर दें और आप कोई और काम करें, क्योंकि जब आप चैप्टर नंबर 18 को कंप्लीट जो है उसको समझेंगे नहीं तो आपको जो इस चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हमने आपको कंसेप्ट दिए हैं उनके बारे में आपको समझ नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इस चैप्टर के तमाम आर्टिकल्स को अच्छी तरह से गौर से समझिएगा पहले, देन आप इस वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 18.1 को। सबसे पहले हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.1 की स्टेटमेंट को रीड करेंगे कि इस कंसेप्चुअल क्वेश्चन के अंदर वो पूछना क्या चाह रहा है और देन इसका आंसर आपको बताएंगे और फिर समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हर क्वेश्चन जो होगा उसको सबसे पहले हम आपको उसकी स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, देन हम नेक्स्ट उसके आंसर पे चलेंगे। तो क्वेश्चन है, कहता है इज इट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट, क्या ये किसी एलिमेंट के लिए ये चीज मुमकिन है टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम रखता हो, एक्सप्लेन इसको हमने करना है। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर z, However, some atoms of element, isotopes of an element, have different atomic mass number. A से represent करते हैं atomic mass number को, यानी element जो है जिनका atomic number same होता है लेकिन atomic mass number different होता है उसको हम बोलते हैं कि isotopes होते हैं। अब अगर देखा जाए तो hydrogen के तीन isotopes हैं, protium है, deuterium है और tritium है। तो अगर इन पर गौर करिएगा कि हर किसी में यानी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, तो एटॉमिक मास नंबर इनका जो है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। Thus, it is not possible for an element to have different type of atom. यानी अगर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट की हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम जो होते हैं उनसे एलिमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम आइसोटोप्स को देखें तो आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर, यानी आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर सेम रहता है लेकिन एटॉमिक मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। तो जो क्वेश्चन उसने पूछा था कि इज इट पॉसिबल फॉर एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, नो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एलिमेंट टू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.1 कंप्लीट हुआ। अब हम 18.2 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। इन विच न्यूक्लियर रिएक्शन विल रिलीज मोर एनर्जी, द फिशन रिएक्शन और फिजन रिएक्शन। पूछा यह चाह रहा है कि आप बताएं कि किस रिएक्शन के अंदर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, क्या फिजन रिएक्शन के अंदर होती है या फिशन रिएक्शन के अंदर होती है। तो सबसे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि फिशन और फिजन रिएक्शन होते हैं, इनकी वीडियोस ऑलरेडी हम अपने चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप उन वीडियोस को लास्ट में देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दूंगा ताकि डिटेल में आपको फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिशन रिएक्शन होता क्या है। इसमें हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, उसके ऊपर हम एक न्यूट्रॉन जो उसको बम्बार करते हैं तो जिससे वो क्या जाता है, वो सेपरेट हो जाता है, दो न्यूक्लाई के अंदर जो है वो तकसीम हो जाता है और प्लस में हमारे पास तीन न्यूट्रॉन आते हैं और प्लस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। अगर हम फ्यूजन रिएक्शन की बात करें तो फ्यूजन में क्या होता है, इसमें हम दो छोटे न्यूक्लाई को मिला के एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं और इसके नतीजे में जो एनर्जी रिलीज होती है वो 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ख्याल किया जाता है कि सूरज पे या सितारों के अंदर से जो एनर्जी हासिल की जाती है तो वो किसकी वजह से हो रही है, वो फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हो रही है, यानी न्यूक्लियस को आपस में मिलाया जाता है जिससे अल्फा पार्टिकल्स पैदा होते हैं और इसी के लिए ही बेदे ने एक चैन रिएक्शन भी तजवीज किया था जिसमें चार हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम का एक न्यूक्लियस बनाते हैं और प्लस में दो पॉजिट्रॉन और
तीन गामा रेज जो है वो भी हमें हासिल होती है और एनर्जी भी रिलीज होती है। तो अब हम इनकी क्वेश्चन के आंसर पे चलते हैं। फ्यूजन रिएक्शन विल रिलीज मोर एनर्जी, फ्यूजन रिएक्शन होता है इसके नतीजे में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। याद रखिएगा कि फ्यूजन रिएक्शन जो है इसको स्टार्ट करना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है, या कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है। तो सूरज के अगर सेंटर की बात करें तो वहां पे 20 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है, और जो कि इसके लिए फेवरेबल कंडीशन बनती है इस फ्यूजन रिएक्शन के लिए। और इसी तरह से अगर सूरज के सरफेस के ऊपर बात करें तो 5 मिलियन केल्विन टेम्परेचर होता है। तो इतना ज्यादा टेम्परेचर जो है वो इस रिएक्शन के लिए क्या होता है, काफी होता है, और जिसके नतीजे में हमें इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो हासिल होती है। अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमें बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। दिस रिएक्शन रिलीज 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इस रिएक्शन में रिलीज होती है। फ्यूजन रिएक्शन इज सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन द प्लैनेट्स एंड सन, यानी सितारे और सितारों और सूरज पे जो सोर्स ऑफ हीट एनर्जी है, यानी हरारत की एनर्जी जो हम तक पहुंच रही है, या हरारत की एनर्जी का जो एक जरिया है वो क्या है, वो फ्यूजन रिएक्शन ही है। यानी इसमें हम न्यूक्लॉन्स को आपस में फ्यूज करते हैं जिससे हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है। जस्ट लाइक जैसे कि हमारे पास अगर ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हो तो उनको आपस में हम फ्यूज करते हैं, और जिसके नतीजे में हमारे पास हीलियम हासिल होती है, हीलियम के न्यूक्लाई हासिल होते हैं, और प्लस में हमारे पास जो है वो एनर्जी हासिल होती है। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.2 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं 18.3 कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे। कहते हैं व्हिच हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर, अल्फा पार्टिकल और गामा रे फोटॉन्स, एक्सप्लेन करना है इसको हमने। कहता है कि मोर पेनिट्रेटिंग पावर किस में होती है, गामा में या अल्फा में, इसमें आपने बताना है कि किस में ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर है। तो पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है बेसिकली ये स्ट्रेंथ होती है किसी चीज से गुजरने की। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, यानी इनकी आयनाइजेशन पावर ज्यादा होती है, तो इसलिए जब भी किसी एटम के करीब से गुजरते हैं तो आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम गामा की बात करें तो गामा में आयनाइजेशन पावर जो होती है वो बिल्कुल कम होती है। तो इसके इंस्टेंट अगर हम बात करें अल्फा की तो अल्फा में पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो कम होती है बिकॉज जल्दी आयनाइजेशन आयनाइज हो जाता है, लेकिन गामा जो है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो ज्यादा होती है। और गामा रेज की अगर हम बात करें या गामा फोटॉन्स की बात करें तो इनकी पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है वो अल्फा से 100 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो आंसर को देख लेते हैं, गामा रे हैव मोर पेनिट्रेटिंग पावर एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेटर स्पीड एंड लेस इंट्रैक्टिंग पावर, कि इसकी ग्रेटर स्पीड होती है और आयनाइजेशन पावर इसकी कम होती है। दीज रेज आर हाई एनर्जी चार्जलेस एंड मैसलेस फोटोन होते हैं, यानी इनके पास गामा रे जो है इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। और अगर हम देखें इसको मैग्नेटिक फील्ड में भी गामा रे जो है वो स्ट्रेट गुजर जाती है, यानी सीधी गुजर जाती है, तो ये हाई एनर्जी क्या होते हैं, ये बेसिकली फोटॉन्स होते हैं। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.4 की तरफ अब चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड द आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी, नेचुरल और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी क्या होती है। अगर नेचर के अंदर देखा जाए तो बहुत से ऐसे एलिमेंट है जो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करते हैं, स्पोंटेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन जो होती है, तो इनको हम बोलते हैं ऐसे एलिमेंट जिनको यानी खुद ब खुद रेडिएशन को खारिज करेंगे, तो ये प्रोसेस जो होता है इसको हम नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का नाम देते हैं। ऐसे एलिमेंट कौन से होते हैं, ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होता है, 82 से ग्रेटर एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा वो खुद ब खुद रेडिएशन खारिज करेंगे, तो इनको हम बोलते हैं स्पोंटेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन हो रही है। और ऐसे एलिमेंट का हम कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी इनके अंदर पाई जा रही है, इन्हें कुदरती तौर पर ये रेडिएशन को खारिज कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है, तो उनको हम आर्टिफिशियल तरीके से बना सकते हैं, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस हम बना सकते हैं, और इस तरीकाकार को हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के नाम से जानते हैं। तो अब इनको हम देख लेते हैं जरा इनके डिफरेंस को। नेचुरल रेडियोएक्टिविटी क्या है, द स्पोंटेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन By unstable nuclei is called natural reactivity. Unstable nuclei कौन से होते हैं, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं
कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर होगा वो खुद बहुत रेडिएशन को खारिज करेंगे, तो उनको बोलते हैं अनस्टेबल न्यूक्लाई और इस प्रोसेस को बोलते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अगर बात की जाए आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की, द प्रोसेस इन विच आर स्टेबल न्यूक्लाई कौन से होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से कम होता है या 82 होता है, कैन बी चेंज इनटू अनस्टेबल न्यूक्लाई बाय बम्बार्डमेंट ऑफ पार्टिकल लाइक न्यूट्रॉन कॉल्ड आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी। यानी इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करके उनका एटॉमिक नंबर 82 से ग्रेटर कर देते हैं जिसकी वजह से वो भी रेडिएशन खारिज करने लग जाते हैं और आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी का जो प्रोसेस होता है ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इसका इस्तेमाल हम मेडिकल में करते हैं, इसका इस्तेमाल हम इंडस्ट्री के अंदर करते हैं, इसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर के अंदर करते हैं, नए नए सीड्स की प्रोडक्शन के लिए भी इनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी जो होती है ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहती है। तो इस तरह से आज हमारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन 18.1 से 18.4 कंप्लीट हुए। तो आज के लिए इतने ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको 18.5 से 18.9 तक के कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है उनके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो अल्लाह हाफिज़।